झारखंड में सीट शेयरिंग को लेकर भले ही एनडीए में जारी तकरार ना खत्म हुई हो, मगर यूपीए में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ गई है। काफी माथापच्ची के बाद यूपीए ने महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। साथ ही पहले चरण के लिए कौन सा दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका भी ऐलान कर दिया गया है। 81 विधानसभा सीटों वाले झारखंड में कमल को मुरझाने के लिए अब महागठबंधन पूरी तरह तैयार है। कभी हाँ और कभी ना के बाद आखिरकार यूपीए में सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझ गई है। काफी मंथन के बाद ये साफ हो गया है कि यूपीए गठबंधन झामुमो नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। यूपीए के अंदर तय फॉर्मूले में झामुमो के खाते में 43 सीटें, कांग्रेस के खाते में 31 सीटें और आरजेडी के पास 7 सीटें गई हैं। बताया जा रहा है कि तेजस्वी यादव इतनी कम सीटों पर राजी नहीं थे, तभी महागठबंधन में सीट शेयरिंग के ऐलान के दौरान वो रांची में रहने के दौरान भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद थे। हालांकि काफी मान मनोबल के बाद वो मान गए और साफ हो गया कि झामुमो, कांग्रेस और आरजेडी ही मिलकर बीजेपी को चुनावी चुनौती देंगे, जबकि जेवीएम एकला चलो की राह पर है। उसने प्रत्याशियों की पहली सूची भी जारी कर दी है, जैसा कि पहले ही कहा जा रहा था। हालांकि जेवीएम प्रमुख को मनाने की भी लाख कोशिशें की गईं, लेकिन वो नहीं माने और इन तीनों दलों ने भी महागठबंधन का ऐलान कर दिया। न सिर्फ ऐलान किया बल्कि 30 नवंबर को पहले चरण में होने वाले चुनाव के लिए सीटों की घोषणा भी कर दी। पहले फेज में जेएमएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। गुमला, विष्णुपुर, लातेहार और गढ़वा झामुमो के पास है। कांग्रेस लोहरदगा, मनिका, डाल्टनगंज, विश्रामपुर, भवनाथपुर, पांकी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। छतरपुर, चतरा और हुसैनाबाद पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी। तो साफ है कि लोकसभा की तरह विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन ताल ठोकेगा और बीजेपी को पस्त करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कोशिश क्या रंग लाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।